हेलो गाइस, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म ई लर्नर। गेट लाइफ साइंसेस के केमिस्ट्री पोर्शन को बहुत ही ज्यादा आसान और स्कोरिंग बनाने के लिए मैं आया हूं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर सोनक सिन्हा बाबू। ये कुछ बातें हैं मेरे बारे में और मैं इन एन नटशेल आपको टू द पॉइंट चीजें बताऊंगा और हम मिलकर सीखेंगे केमिस्ट्री के इस सब्जेक्ट को और गेट एक्सेल के प्रिपरेशन को हर स्टेप पे और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाते चलेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। हाय, वेलकम बैक टू दिस वीडियो और इसमें हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का पार्ट टू। ये कंटिन्यूएशन है पहले वीडियो का, अगर आपने नहीं देखा है वो देख के फिर आइए। यहाँ पे एसेंशियल कॉन्सेप्ट समझेंगे सबसे पहले कि मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो मॉलिक्यूलर बिहेवियर को कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे मॉलिक्यूल्स के स्टेबिलिटी के बारे में। जब कभी भी सिस्टम का टोटल एनर्जी कम होता है तभी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो एक स्टेबल एंटिटी है। तो ऑब्वियसली टोटल एनर्जी कम होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा, तभी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम दो चीजों को देखेंगे। सबसे पहले है NB और दूसरा है NA। NB क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग एंटीबॉन्डिंग मैंने बताया था, बॉन्डिंग लो इन एनर्जी और एंटीबॉन्डिंग हाई इन एनर्जी। ठीक है, तो NA क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब देखिए, अगर बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है नंबर ऑफ एंटीबॉन्डिंग के, तो क्या होगा? Obviously, bonding को फेवर करेगा, और bonding अगर फेवर करेगा तो ये stable होगा, net attractive force होगा। ठीक है, पर यही चीज अगर number of electrons in bonding molecular orbitals कम हो जाएंगे antibonding से, तो क्या होगा? जो result होगा वो unstable होगा और there will be a net repulsive force। अगर equal भी होगा है ना, तब भी कहीं ना कहीं unstable होगा, क्योंकि net repulsive force होगा, क्योंकि ये जो antibonding का influence होता है ना वो bonding से थोड़ा ज्यादा होता है। ये हम समझ गए थोड़ा सा कि इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे किस तरीके से हम बताएंगे। अब स्टेबिलिटी को हम बॉन्ड ऑर्डर के टर्म्स में कैसे बता सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इस पे ही क्वेश्चन सॉल्विंग डिपेंड करता है। तो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, इसका सीधा सीधी फॉर्मूला है कि बॉन्ड ऑर्डर इज व्हाट इट इज, हाफ इनटू एनबी माइनस एनए। एनबी क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और एनए क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बॉन्ड ऑर्डर जो है ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, कितना एनर्जी या तो रिलीज होता है बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम, या फिर उतना ही एनर्जी अगर आप बॉन्ड को दे देंगे बॉन्ड टूट जाएगा सिंपली। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना बढ़ेगा उतना बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगा, उतना ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा तोड़ने के लिए, उतना ही ज्यादा स्टेबल कहलाएगा ना, उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। और ये जो चीज है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड लेंथ के। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ जितना कम होगा उतना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, आपके पास छोटे छोटे डंडे हैं बहुत सारे, स्ट्रॉन्ग होगा ना, वही एक लंबा डंडा होगा तो पतला सा लंबा डंडा होगा तो इजीली टूट जाएगा, ये एनालॉजी है। ठीक है, तो इस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर और स्टेबिलिटी का हम एक टेबल बना सकते हैं कि अगर लेस देन जीरो हुआ यानी नेगेटिव हुआ तो फिर स्टेबिलिटी क्या होगा? हाईली अनस्टेबल या फिर डज नॉट एग्जिस्ट, बहुत अनस्टेबल होगा तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर इक्वल टू जीरो भी हुआ बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू जीरो होना मतलब क्या है ही नहीं, मतलब हाईली अनस्टेबल, डज नॉट एग्जिस्ट। प्लस हाफ अगर हुआ तो कह सकते हैं कि एग्जिस्ट करता है बट अनस्टेबल होगा, क्योंकि ऑब्वियसली आधा ही बॉन्ड है। प्लस वन अगर है तो स्टेबल सिंगल बॉन्ड, प्लस टू है तो स्टेबल डबल बॉन्ड, और प्लस थ्री है तो स्टेबल ट्रिपल बॉन्ड, उसके बीच के भी होते हैं 1.5 2.5। ठीक है, देखेंगे। अब आते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर पे। मैग्नेटिक बिहेवियर के बेसिस पे हम चीजों को बोलते हैं या तो डायमैग्नेटिक नहीं तो पैरामैग्नेटिक। अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो हम इसे कहेंगे क्या? इसे कहेंगे हम डायमैग्नेटिक। जहां पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को मैं यहाँ पे n से डिनोट कर रहा हूँ, स्मॉल n से। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर n इनटू n प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन, इसका यूनिट होता है। तो म्यू का वैल्यू यहाँ पे जीरो आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि जीरो बैठा हुआ है, ये जीरो आएगा। नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है, यानी डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक के केस में क्या होता है, ये जो n है स्मॉल n का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसलिए इसका कुछ एक वैल्यू आता है, इसीलिए जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है म्यू का वैल्यू नॉन जीरो होता है। कॉन्सेप्ट समझ गए? अब देखते हैं हम लोग सारे होमो न्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए किस तरीके से अप्लाई होता है। जैसे हमने बात कर लिया था कि Li2, Be2, B2C2, N2, इन सब के लिए एक पर्टिकुलर टाइप का स्ट्रक्चर होता है मॉलिक्यूलर डायग्राम का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम का, जबकि O2, F2 और Ne2 के लिए अलग टाइप का स्ट्रक्चर होता है। मैंने बोला था कि इस तरीके का दो ट्राइंगल, ट्राइंगल के बेस में हमेशा पाई वाले होंगे। ठीक है, ये पाई
पाई सिग्मा, पाई स्टार सिग्मा स्टार, सिंपल, बहुत इजी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता दोगे, पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में बात किया था। देखिए यहाँ पे एक चीज को मैं के लिख रहा हूँ, के का मतलब क्या है पता है, कि आपका जो सिग्मा 1s ऑर्बिटल है और सिग्मा 1s स्टार यानी एंटी बॉन्डिंग वाला ऑर्बिटल है, दोनों कंप्लीटली फिल्ड है। तो ये कंप्लीटली फिल्ड के इस तरीके से हम लिखते हैं ताकि हम शुरुआत 2s से कर सके, क्योंकि बाकी सब चीजें 2s में होंगी, क्योंकि हम सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों स्ट्रक्चर्स होंगे, आप वीडियो को पॉज करके एक बार देख लीजिए, हाथ से बना लीजिए, ठीक है। हम आगे प्रोसीड करते हैं हर एक मॉलिक्यूल को लेकर। चलिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ना जनरलाइज वे में, वो जो डायग्रामेटिकली हम लिखे थे उसी चीज को अब हमने मतलब जिसको वर्टिकली लिखा था उसको हॉरिजॉन्टली लिख दिया, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और 2p को मैंने बताया था कि इस तरीके से दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पे इन्वर्टेड ट्राइंगल, ठीक है। ये देखने में टफ लग रहा होगा, बट मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करें और इस चीज को हाथ से लिखें, और आपको पता चलेगा कि ये वही चीज है, बस देखने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। प्लीज डरना नहीं है इस चीज से, ठीक है, आसान है, आप एक बार खुद से लिख के देखिए। आगे बढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन अगर हम बात करें होमो न्यूक्लियर डायटोमिक स्पीशीज की, सबसे पहले देखेंगे H2+ ion, H2+ ion को कैसे लिखेंगे, सिर्फ सिग्मा 1s होगा, सिग्मा 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। चलिए बॉन्ड ऑर्डर क्या करेंगे हम, यहाँ पे बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग का हाफ, तो कितने बॉन्डिंग है, एक ही है बॉन्डिंग, तो हाफ इंटू वन हाफ हो गए। अब हाफ मतलब अनस्टेबल होगा ना, यू मतलब अनस्टेबल, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है मतलब पैरामैग्नेटिक। अब एच टू मॉलिक्यूल पे आ जाते हैं, एच टू मॉलिक्यूल में क्या होगा, सिग्मा 1s2, क्योंकि उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली इस पूरे मॉलिक्यूल में, तो दो हमने लिख दिया यहाँ पे, भर दिया, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्डिंग नहीं है तो 2 - 0 / 2, तो ये क्या हो जाएगा 1, बॉन्ड ऑर्डर 1, ऑब्वियसली H और H के बीच में एक बॉन्ड बनता है, तो दिस इज डायमैग्नेटिक। क्यों, आपने देखा कि दो इलेक्ट्रॉन्स है पेयर हो जाएंगे, ठीक है, इसीलिए अनपेयर्ड नहीं मिलेगा, पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, दिस विल बी डायमैग्नेटिक, बट हाँ दिस विल बी स्टेबल। अब H2 के ऊपर एक और इलेक्ट्रॉन डाल दिया, तो अब ये इलेक्ट्रॉन देखिए 1s तो भर गया, अब अगले वाले लेवल में चला जाएगा, सिंपली एनर्जेटिकली लो से हाई हम फिल करते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, जैसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स में फिल करते थे, यहां मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कर रहे हैं। तो 1s भर चुका है, दो इलेक्ट्रॉन यहां पे है, अब 1s स्टार में एक इलेक्ट्रॉन आपने भर दिया, अब एंटी बॉन्डिंग एक इलेक्ट्रॉन आ गया ना, तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 - 1 / 2, आपको क्या मिला, हाफ। हाफ अगेन आपको पता है कि अनस्टेबल होता है, लेकिन एंटीबॉन्डिंग में एक अनपेयर्ड है, यानी ये पैरामैग्नेटिक होगा। अब समझ में आ रहा है Hg2+ के केस में क्या होगा, सिंपल वही केस, Hg2 अगर होता तो Hg2 मतलब मॉलिक्यूल अगर होता तो उसमें चार इलेक्ट्रॉन्स होते, पर चार तो है नहीं, एक अपने हटा दिया, तो यहां पर वही तीन इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है, सिमिलर केस होगा H2- जैसा, एग्जैक्टली वही का वही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे Hg2 मॉलिक्यूल के बारे में, Hg2 मॉलिक्यूल में क्या होगा, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन्स भरे होंगे, कंप्लीटली फिल्ड होगा, तो बॉन्डिंग भी कंप्लीटली फिल्ड, एंटी बॉन्डिंग भी कंप्लीटली फिल्ड, 2 - 2 = 0, 0 / 1/2 = 0, एंड जीरो बॉन्ड ऑर्डर का चीज कभी एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए Hg2 कभी एग्जिस्ट नहीं करता, Hg इंडिपेंडेंट हीलियम के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, डाइमर नहीं बनाता। अब लिथियम Li2 मॉलिक्यूल के बारे में अगर हम बात करें, हाँ अब हाँ एक चीज मैं बता दूं यहाँ पे ही, कि ये जो 1s और 1s स्टार दोनों जब पूरा भर जाते हैं, इसी चीज को हम KK करके लिखते हैं, आगे हम सारे मॉलिक्यूल्स के लिए KK लिखेंगे, ये बार बार क्यों लिखने जाऊंगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे Li2 मॉलिक्यूल के बारे में, Li2 मॉलिक्यूल में क्या होगा, KK फिर सिग्मा 2s जो है वो भरा रहेगा उसका, तो KK के लिए क्या हो जाएगा, हमें पता है कि यहां तक का बॉन्ड ऑर्डर तो 0 आता है, तो बार बार क्यों लिखने चाहिए, हम सिर्फ इसको कंसीडर करेंगे, तो यहां पे 2 है बॉन्डिंग में, तो बस हाफ 2 - 0 क्या हो जा रहा है, बॉन्ड ऑर्डर आपका 1 आ रहा है। अब यहां पे आपको देखना है क्या पेयर्ड है, हाँ पेयर्ड है, पेयर्ड है तो मतलब पैरामैग्नेटिक नहीं हो सकता, डायमैग्नेटिक होगा, एग्जिस्ट कर सकता है, हाँ बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा और इसीलिए स्टेबल होगा, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, अब हम B2 को देखेंगे, और B2 के लिए हमने जो स्टार्टिंग में इस तरीके का ये एक बना दिया था ना, ये वाला ये जो फॉर्मेट बनाया था, इसको हम हर जगह कॉपी पेस्ट करेंगे और बस उसको फिल करते जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास, टोटल इलेक्ट्रॉन्स को बस हम चुपचाप चिपकाते जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8, बेरिलियम में 4 + 4 = 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, चार तो यहीं पे भर गए। अब आपको भरना है, यहाँ पे 2 भरना है, यहाँ पे भी 2 भरना है, ठीक है, तो सिग्मा 2s में 2 और सिग्मा 2s स्टार में 2 आपने भर दिया,
अब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, देखिए यहाँ पे मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी साइड साइड में बनाया है, आपको थोड़ा सा पॉज कर करके देखना पड़ेगा, हाथ से लिखना पड़ेगा, तो जाके आपको मजा आएगा, फील आएगा, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे क्या होगा, दो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग, दो बॉन्डिंग में, पहले वाले तो पहले से ही कैंसिल्ड है, तो हाफ इंटू टू माइनस टू जीरो, एंड देयरफॉर जीरो बॉन्ड ऑर्डर डज नॉट एक्जिस्ट। बेरिलियम डाइमर नहीं बनाता, बेरिलियम खुद एग्जिस्ट करता है, ठीक है, बीई एटम। आगे बढ़ते हैं B2, अब तो हमें पता है कि वो दो ट्राइंगल वाला यहाँ पे सिस्टम है, तो ये वाला पूरा पार्ट का मैं नेट बॉन्ड ऑर्डर जीरो मान के चलो, क्यों बार बार मैं उसे कैलकुलेट करूँ, सिर्फ इधर कैलकुलेट करूंगा। तो ये वाला क्या है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन्स है, तो हाफ इंटू टू माइनस जीरो, हाफ इंटू टू, और यानी बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, वन। तो B2 के केस में बॉन्ड ऑर्डर वन होगा। अब देखिए यहाँ पे अनपेयर्ड है इसीलिए पैरामैग्नेटिक, लेकिन हाँ एग्जिस्ट तो करता है इसीलिए स्टेबल। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 10 थे, ठीक है। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली करते जाएंगे, आप बहुत इजी है, बोरोन में 5 है तो 5 प्लस 5 10, 10 इलेक्ट्रॉन्स को आपको फिल करना, आप 10 इलेक्ट्रॉन्स लेके चल रहे हो, 10 इलेक्ट्रॉन्स आपको भरते जाना है, बस लोअर टू हायर एनर्जी, यही सिस्टम है, ठीक है। आगे हमारा जो अगले वीडियो में जो ट्रिक की बात करेंगे ना, वो भी इसी पे बेस्ड होगा। आइए इसके बाद देखते हैं C2 के बारे में, C2 में भी क्या होगा, C2 में बस आपको वो जो हाफ फिल्ड था वो फुल फिल्ड हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन्स और आगे, तो दो इलेक्ट्रॉन्स और आगे तो क्या हो गया, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स रहे जो कि बॉन्डिंग में है, एंटी बॉन्डिंग में कुछ नहीं है, तो 4 - 0/2 हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अनपेयर्ड चीजें नहीं है, सब पेयर्ड हो गए, तो इसीलिए डायमैग्नेटिक और ये स्टेबल जरूर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से N2 के लिए, N2 के लिए क्या हो जाएगा कि आप उसी तरीके से भर दोगे, और दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो और मतलब टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो यहाँ पे हमने भर दिया, और दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भर गए, सारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में, तो टोटल 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग एक भी नहीं, तो हाफ इंटू 6 - 0 टोटल आ रहा है आपका 3, ठीक है। दिस इज 3 बॉन्ड ऑर्डर, मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर होता है, इसलिए बहुत ज्यादा स्टेबल है, और या इट इज डायमैग्नेटिक क्योंकि आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो दिख ही नहीं रहे, ठीक है। अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यहां से चीजें थोड़ा रिवर्स हो गई, हमें पता है ना यहाँ पे इस तरीके से रिवर्स हो गया थोड़ा सा, बट ये इससे कोई बहुत ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नंबर तो वही थे, बस ऑर्डर थोड़ा सा शफल था, राइट। तो अब क्या होगा, और दो इलेक्ट्रॉन्स भरे तो ऑब्वियसली ये पाई स्टार में भरेगा, और पाई स्टार में पहले तो हाफ फील्ड होगा, ठीक है, हुंड्स रूल फॉलो करते हुए, तो इस तरीके से आपने भरा। अब यहाँ पे आपके पास 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, 2 एंटी बॉन्डिंग है, तो हाफ इंटू 6 - 2, हाफ इंटू 4, 2 आ गया बॉन्ड ऑर्डर, दो बॉन्ड ऑर्डर है, ऑक्सीजन के बीच में दो बॉन्ड्स होते हैं, पता भी है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एंटी बॉन्डिंग में क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, तो इसीलिए ये पैरामैग्नेटिक है, पर हाँ ऑब्वियसली दिस इज स्टेबल। अब बात करेंगे फ्लोरीन मॉलिक्यूल के बारे में, सिमिलर तरीके से दो और इलेक्ट्रॉन भर दिया तो ये पेयर्ड हो गए, पेयर्ड हो गए तो अब हमें क्या पता है, बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, एंटी बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 - 4/2, यानी टोटल बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है, तो फ्लोरीन मॉलिक्यूल के बीच में एफ और एफ के बीच में एक बॉन्ड होता है, ठीक है, एंड दिस इज डायमैग्नेटिक, क्यों, क्योंकि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब फाइनली एनी टू मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे, एनी टू मॉलिक्यूल में सारे भर चुके हैं, जितने बॉन्डिंग उतने एंटी बॉन्डिंग, माइनस हो जाएंगे, नेट जीरो होगा, और जीरो बॉन्ड ऑर्डर का कोई भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए एनी जो है वो भी एज अ नोबल गैस, वो भी क्या है, एटॉमिक स्टेट में होता है, कभी भी डाइमर फॉर्म नहीं करता, दिस डज नॉट एग्जिस्ट। फिर से वीडियो को पॉज कर करके शांति से चीजों को एक बार और देख लीजिएगा, हर एक मॉलिक्यूल को एक बार स्टडी कर लीजिएगा, ताकि आपको कॉन्सेप्चुअली चीजें क्लियर रहे, कैसे भर रहे हैं हम लोग, किस तरीके से इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भरते हैं, ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, तभी जाके अगले स्टेप में ट्रिक के साथ हम चीजों को सेकंड में सॉल्व कर सकेंगे। अब आपको बॉन्ड ऑर्डर जब पूछा जाएगा ना, आप बॉन्ड ऑर्डर इस तरीके से कैलकुलेट नहीं करोगे, हर बार डायग्राम नहीं बनाओगे, अगले वीडियो में मैं आपको ऐसा एक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप डायरेक्टली जो भी क्वेश्चन मिले उसके स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चंस को चुटकियों में कर सकते हो, ठीक है। तो अगला वीडियो जरूर देखिएगा, एंड प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, वी इन द नेक्स्ट वीडियो, सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।